News 18, India. इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रांची में तीन जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। रात 10 बजे तक धारा 144 वहां पर लागू रहेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तीन जगहों पर फिलहाल रांची में धारा 144 लागू की गई है। इसमें सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस शामिल है, जहां पर रात 10 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही हेमंत सोरेन जो है वो बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, वहां फोटो सेशन उन्होंने किया, लेकिन हमारे सहयोगी दिवाकर वहीं मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। दिवाकर, धारा 144 तीन जगहों पर लागू की गई है और क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, एहतियातन ये धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि 20 जनवरी का वाकया है। 20 जनवरी को जैसे ही ईडी पूछताछ करने के लिए सीएम रेजिडेंस आती है, जेएमएम के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर, ये जो काके रोड है जहां हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, इस काके रोड पे ही आकर उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नारे लगाते हैं। उसी के मद्देनज़र आज धारा 144 लागू किया गया है और डीजीपी ने कल ही जो गवर्नर हाउस है उसके आसपास, सीएम हाउस है उसके आसपास और ईडी दफ्तर है एयरपोर्ट के रास्ते में, इन तीन पॉइंट्स पे जो है बड़ी तादाद में जो है जवानों की तैनाती कर दी है। 14 डीएसपी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नर ने परसों ही इस बात को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर वो संतुष्ट नहीं हैं और कानून व्यवस्था के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और आज उन्होंने डीजीपी को तलब किया था, होम सेक्रेटरी से बात की थी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, असंतोष जताया। उसके बाद से आप देखिए कि धारा 144 लागू है 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक जो सीएम की एक्टिविटी चलती रहेगी, विधायकों की मीटिंग्स होते रहेंगे। सर्किट हाउस पे फर्स्ट हाफ पे मीटिंग हुए हैं और सेकेंड हाफ पे हेमंत सोरेन ने सारे विधायकों, मंत्रियों को यहाँ बुला रखा है, अपने पार्टी के नेताओं को बुला रखा है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो भी यहाँ जमे हुए हैं। जो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो भी जमे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में प्रवेश करने वाली है। 2 फरवरी को वो यहाँ प्रवेश करेंगे और 3 तारीख से उनका काफिला यहाँ शुरू हो जाएगा और वो झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रवेश करेंगे, जामताड़ा में आएंगे, रांची में आएंगे, धनबाद, गिरिडीह में उनका कार्यक्रम है, जमशेदपुर में है। बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव से ईडी की टीम की पूछताछ इस वक्त भी जारी है। ईडी के 12 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। अब तक कई सारे सवालों के जवाब पूछे जा चुके हैं, हालांकि तेजस्वी के हवाले से उस तरीके से कोई खबरें नहीं आई है, लेकिन ईडी के 12 अधिकारी जो हैं इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो वो सत्ता से बेदखल होते हैं और परेशानियां उनके सामने कदम दर कदम बढ़ती ही जाती है।